चंदन कश्यप। आज हम बात करेंगे कि देश को मिला पहला एयरबस C-295 विमान। ये विमान ये स्पेन के सेविले में बुधवार को एक वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी का समझौता हुआ स्पेन से कि उसमें एयरबस C-295 विमान को भारत को सौंपा जाएगा। जो पहला विमान मिला है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। यूरोपियन विमान कंपनी एड स्पेस के साथ 21,935 करोड़ रुपए का वायुसेना ने सौदा किया है। ये 56 विमानों का एक जखीरा है जो भारत को में बनाया भी जाएगा और भारत को आएगा। 16 विमान स्पेन से आएंगे और जो 40 विमान हैं गुजरात में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ और तथ्य हैं। मई 2024 में दूसरा आएगा विमान और हर महीने भारत में बनाए जाएंगे फिर लगातार क्रम जारी रहेगा आने का। 2024 मई से विमान बनाया जाएगा भारत में और हर महीने आएगा। और 2024 नवंबर को टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड जो है ये बनाने का कार्य प्रारंभ करेगी भारत में गुजरात में। और ये 2026 तक दूसरा विमान बना लेंगे जो पहला विमान बना लेंगे जो भारत में निर्मित है और उसकी तैनाती हो जाएगी। और 2031 तक भारत को 56 जो विमान है वो प्राप्त हो जाएंगे। और इसी के साथ भारत दुनिया में एयरबस C-295 विमान का सबसे बड़ा मालिक हो जाएगा। और इसकी जो रफ्तार है वो 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा जो विमान होगा ये किस विमान की जगह लेगा आप उसका भी नाम ध्यान रख लीजिए। 56 एवरो 748 इस विमान की ये जगह लेगा विमान एयरबस C-295। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।